यहाँ हमारे पास है मुंजिया। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास है मुंजिया। ठीक है, ओके कंट्रोल करो यार थोड़ा सा तुम। सो यहाँ हमारे पास है मुंजिया। यार क्या दिमाग खराब कर रखा है, बार बार चाँ 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 करे जा रहा है। पता है मुझे तो डर लगता है, लेकिन थोड़ा आराम से बता लेंगे लोगों को, उसके बाद चिल्ला लिए। सो यहाँ हमारे पास है मुंजिया का ट्रेलर। और जैसे मैंने सोचा था कि ये ब्रह्म राक्षस की कहानी होगी, तो ये वैसी तो नहीं लग रही। मतलब कि मैंने सोचा था कि मुंजा ब्रह्म राक्षस को कहा जाता है, ब्रह्म दैत्य को कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो ये ना ब्रह्म राक्षस है ना ये ब्रह्म दैत्य है, ये तो केवल एक शापित आत्मा लग रही है। कहानी के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें खुलासे के तौर पर पता चली हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार ये पूरी मूवी ही कहानी पे बेस्ड है। तो अगर मूवी में से तुम कहानी ही निकाल दोगे तो मूवी में बचेगा क्या, क्या चीज़ एंजॉय करोगे बाद में? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो जैसे कहानी मुझे दिख रही है कि मुंजा महाराष्ट्र साइड का एक बच्चा है। हाँ यार मुझे भी पता है कि तुम लोगों को पता है कि वो महाराष्ट्र के तरफ का बच्चा है। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि BNFTV बादल यादव के घर के आसपास का लड़का हो। अगर जानते हो बादल यादव को तो वीडियो शेयर कर देना। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके घर के आसपास का लड़का हो, ये भूत उसके घर के आसपास हो, मज़ा आएगा, या फिर स्टूडियो के आसपास का हो। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन टू द स्टोरी। तो जो मुझे स्टोरी दिख रही है वो ऐसी है कि महाराष्ट्र का एक बच्चा है जो काले जादू में काफ़ी घुसा हुआ था। क्यों? क्योंकि एक लड़की की वजह से। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उसे शादी नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि वो भी छोटा है। और इतनी पुरानी कहानी है कि इसमें दिख रहा है कि ये बाल विवाह टाइप की कोई चीज़ होगी यहाँ पे, जो इस कहानी को काफ़ी मिसोजिनिस्टिक टाइप की दिखाएगी। वैसे मिसोजिनिस्टिक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री की बात है और हिस्ट्री में ये चीज़ें हुआ करती थी, तो उछलने फुदकने नाचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और मुझे ये भी पता है कि वो लड़की कौन थी। इस मूवी में उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा और वो ग्लिम्स काफ़ी क्लियर था। पता चल रहा है कि वो लड़की कौन थी जिसके चक्कर में मुंजा मरा, वो कैसी दिखती थी, उसकी शक्ल कैसी थी। लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो यार मूवी में से वही वो ट्विस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को वो फील नहीं आएगा कि मज़ा नहीं आया वो देख के, इसलिए बताऊंगा नहीं। सरप्राइज़ को सरप्राइज ही रहने दो, रिलीज़ होने जिस दिन रिलीज़ होगी उस दिन बताऊँगा। हाँ लेकिन मैं आपको मुंजा के बारे में एक बात बता सकता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो एक बच्चा है और एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, और हमें पता है कि ब्राह्मणों पर देवी लक्ष्मी का श्राप है कि उन्हें कि उनके पास कभी धन टिकेगा नहीं और होगा भी नहीं, जिस वजह से हो सकता है कि वो लड़का काफ़ी गरीब है, और जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो लड़की काफ़ी अमीर है, जिस वजह से उसके घर वाले नहीं मान रहे। तो मुंजा ने काले जादू का सहारा लिया कि काले जादू से उसे अपने वश में कर लूँगा और वो लड़की मुझसे कभी दूर नहीं जा पाएगी। और डायलॉग से तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें बलि वगैरह की भी बात की गई है, मतलब कि नर बलि तक की बात की गई है। तो खुद सोच के देखो, नर बलि के नाम पर इसने कहीं खुद की तो बलि नहीं दे दी। तो अभी तक तो इतनी चीज़ें मुझे पता चली हैं, और आगे की चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है बताने को। मुझे पता है कि मुंजा किस टाइप का भूत है, वो बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा आप लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ, तब ना मैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे तरीके से निकालूँ। अगर देखोगे नहीं तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब मुझे रिटेंशन ही नहीं देता फिर। कोई बात नहीं, जय हिंद।